हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वी विल लर्न अबाउट ए लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। सो अनअकैडमी प्लस में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं RAM007। इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट बिकॉज आई एम द फैकल्टी ऑफ अनअकैडमी प्लस। तो वहां भी कई सारे ऑसम कोर्स चल रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन करने के लिए आप इस्तेमाल करें रेफरल कोड RAM007। राइट, ओके, आइए डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में ही नहीं, बल्कि बात करेंगे बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पे किस तरह से डिफरेंसेस होते हैं, वहां पे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास क्या क्या पावर होते हैं, हमारे पास कितने पावर होते हैं। वी विल टॉक अबाउट ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, भारत के राष्ट्रपति से। सो जब भी हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जहन में आता है वो क्या आता है। चूंकि एक पॉलिटिकल टॉपिक है इसलिए आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक राष्ट्रपति के बारे में सारी चीजें डिस्कस की हैं। आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक, तो ये आप लोग याद रखिए, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 के बीच में संविधान का पार्ट 5 इसके बारे में बात करता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जैसा कि पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। और चूंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक पार्ट है तो क्वेश्चन ये बनता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीजें आती हैं। दैट्स काइंड ऑफ ट्रिकी वन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संविधान के किस आर्टिकल में डिस्कस्ड है, तो आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन है मेरा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन है। तो आपको ऑप्शन है 52 के बारे में डिस्कशन, 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात की है, या 53 में दिया है, या 54 में दिया है, या 55 में दिया है कि भारत में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ये कौन से आर्टिकल में है, प्लीज ट्राई द पोल, कमेंट करके बताएं आप लोग। ओके, तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है 52। आर्टिकल 52 बात करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आपको बात किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में। किस में आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्रिएट करूंगा, आप लोग इसका रिप्लाई करेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव जब बात करते हैं तो कुछ मैं पोस्ट का नाम लिखूंगा, आपको बताना इनमें से कौन कौन सी पोस्ट इसका एक हिस्सा है। नाउ द फर्स्ट वन आई विल राइट, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। हालांकि तो जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द यूनियन एग्जीक्यूटिव बिकॉज ही इज द हेड ऑफ स्टेट, यू नो दैट थिंग। इसके अलावा क्या वाइस प्रेसिडेंट भी इसका एक हिस्सा है, वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा भारत का जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा है क्या। इसके अलावा भारत की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब है मंत्रिमंडल, क्या मंत्रिमंडल भी इसका एक हिस्सा है। या भारत का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये भी एक हिस्सा है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें लिखी हैं, तो आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन कौन, सॉरी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इट्स नॉट अटॉर्नी ऑफ जनरल, इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काफी महत्वपूर्ण पोस्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आप लोग बताना है इनमें से कौन कौन सी पोस्ट जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आती है। ये सामने ऑप्शन आपके सामने, तो ऑप्शन है 1, 3 and 4, या 1, 2, 3 and 4, या 1, 2, 3, 4 and 5, या नन ऑफ दीज। तो आप लोग बताएं इसमें से कौन कौन सी पोस्ट जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा है। ऑलराइट, ओके, तो इस राइट आंसर इज सारे ही 1, 2, 3 and 4, ये सारे ही यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे मिलके यूनियन एग्जीक्यूटिव का एक हिस्सा बनाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, सो प्लीज रिमेंबर दिस वन। ऑलराइट, ओके, इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसा कि आप जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है हमारा जो स्टेट है
उसका हेड माना जाता है, लेकिन यदि बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भारत का पहला नागरिक भी बोलते हैं और उनकी वाइफ को भारत की प्रथम महिला ही बोलते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अब बात करें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, तो क्वेश्चन ये बनता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पोस्ट की इलेक्शन की बात हो रही है। और कमाल की बात यह है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो भारत की तीनों सेनाओं का चीफ भी बोलते हैं, ये भी आप लोग पता होना चाहिए। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द ऑल थ्री फोर्सेस, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो ये बात करता है आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 आर्टिकल 54 इसके बारे में बात करता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ अब क्वेश्चन बनता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आपके सामने ऑप्शन है कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। लोकसभा पार्टिसिपेट करती है, या लोकसभा और राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है, या लोकसभा राज्यसभा और इनके अलावा जो विधानसभा है मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये पार्टिसिपेट करते हैं, या सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, या सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, कौन कौन इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा राज्यसभा और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है सिर्फ ये पार्टिसिपेट करते हैं। बताने आप लोगों को इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, प्लीज ट्राई इन द कमेंट बॉक्स। ऑल राइट, तो आप याद रखिएगा इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं लोकसभा राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्यों की विधानसभा है उसके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस वन। नाउ देखिए पहले जो थे लोकसभा और विधानसभाओं में यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, चूंकि आपको पता है दो एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा में और एक एंग्लो इंडियन होता है विधानसभाओं में, लेकिन अब जो है अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेशन जो है उसका बंद कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन को नॉमिनेशन का जो पार्लियामेंट में जो बिल था वो टेबल जो किया गया था उसमें एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन जो है वो प्रोसीड नहीं किया गया है, बल्कि एस सी एस टी कम्युनिटी का रिजर्वेशन प्रोसीड कर दिया गया है, लेकिन एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन जो है प्रोसीड नहीं किया गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि एंग्लो इंडियंस आर नॉट नॉमिनेटेड इन द लोकसभा एंड विधानसभा एनीमोर। नाउ राज्यसभा में जरूर 12 मेंबर जो है वो इलेक्टेड होते हैं, दैट्स वाई यू शुड नो अबाउट दैट थिंग। तो लेकिन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और कमाल की बात ये है कि इसमें इलेक्टेड मेंबर तो हैं एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारे देश में दो यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेचर है और वहां के एमएलए भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, तो ये भी आप लोग याद रखें, दिल्ली और पुदुचेरी। हालांकि अब जम्मू एंड कश्मीर बन गया है तो जम्मू कश्मीर बनने के बाद पिक्चर थोड़ी अलग होगी, जम्मू एंड कश्मीर के जो लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एक कंडीशन और भी है, एक कंडीशन और भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है कि कोई भी मेंबर कोई भी स्टेट में लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो रखी है तो वो अपने आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन तक मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वेट नहीं कर रहा है कि मतलब वो जब इलेक्ट हो जाए देन आफ्टर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो होगा जिनका इलेक्शन बाद में होना है वो होता रहेगा, बट नोबडी विल वेट फॉर दैट। ओके, तो ये आप लोग याद रखें, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है जो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है ये आप लोग कमेंट करके बताना है। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो फिर मैं नीचे बताऊंगा आप लोगों को ऐसा क्यों होता है। नाउ अब बात करते हैं भारत में इलेक्शन जब होता है, प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होती है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्शन होता है इसमें जो हर एक एमएलए का जो वोट होता है, हर एक एमएलए की जो वैल्यू होती है वो क्या बराबर होती है। तो क्वेश्चन है मेरा, प्रेसिडेंट इलेक्शन में ईच एमएलए ऑफ स्टेट हैव इक्वल वोट, ये कुछ स्टेटमेंट आपको बताना, ये सही है गलत है। ईच एमपी ऑफ country have equal vote, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, या दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं
या none of these? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए आप लोग कमेंट करके। ऑल राइट, तो सी स्टेटमेंट सही है। इसमें मतलब दोनों ही चीजें होती हैं, हर एक एमएलए को बराबर वोट मिलते हैं स्टेट के अंदर में और हर एक एमपी को बराबर वोट मिलते हैं। नाउ प्रेसिडेंट इलेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है, प्रेसिडेंट इलेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या चीज काउंट की जाती है, काउंटेड कौन सी चीज काउंट की जाती है। ऑप्शन आपके सामने, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन या वोटर्स, वोटर्स अबव 18 एज या दोनों चीजें हो सकती हैं या नन ऑफ दिस। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनमें से कौन सी चीज फोकस रहती है, पॉपुलेशन या वोटर्स, जितने भी वोटर्स हैं, या दोनों या नन ऑफ दिस। याद रखिएगा इसमें पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, पॉपुलेशन हमारे देश का जो पॉपुलेशन है उसको हम काउंट करते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। प्रेसिडेंट इलेक्शन से और भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में, प्रेसिडेंट इलेक्शन में मान लीजिए अभी 2000 अगला जो इलेक्शन होने वाला है, एक मिनट, प्रेसिडेंट इलेक्शन से एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को याद आई और वो ये है कि हमारे यहां प्रेसिडेंट वर्तमान समय में भारत में कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, वर्तमान में भारत में कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, ये आप लोग बताना है। ही इज द 13th प्रेसिडेंट, ही इज 14th प्रेसिडेंट और ही इज द 15th प्रेसिडेंट और ही इज द 16th प्रेसिडेंट। भारत के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं जो इलेक्ट हुए, तो आप लोग बताना है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच वन इज दैट। ओके, तो भारत के ये 15वें प्रेसिडेंट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में जो भारत प्रेसिडेंट हैं ये भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं, तो ये आप लोग याद रखिए। राइट नाउ वी हैव द 15th प्रेसिडेंट। यदि बात करें 14th प्रेसिडेंट तो वो थे प्रणब मुखर्जी और 15th वर्तमान समय में हमारे यहाँ काबिज हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नाउ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो फोकस रहता है हमारा, जो पॉपुलेशन, प्रेसिडेंट इलेक्शन में किस सेंसस का पॉपुलेशन फोकस करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में हम पॉपुलेशन को फोकस करते हैं, पॉपुलेशन इज द काउंटेड, पॉपुलेशन काउंट की आती है। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो पॉपुलेशन काउंट करते हैं, पॉपुलेशन इज काउंटेड ऑफ कौन से सेंसस की जो पॉपुलेशन है उसको हम काउंट करते हैं। ये क्वेश्चन देखा है तो काफी महत्वपूर्ण है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग बताएं किस साल की पॉपुलेशन को आप काउंट करते हैं। सेंसस 2011 के पॉपुलेशन काउंट करेंगे, मान लीजिए अभी जो इलेक्शन हुआ जिसमें हमारे रामनाथ कोविंद साहब जो हैं, कोविंद साहब हमारे 15वें, कौन है 15वें, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद, मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ, सॉरी कोविंद इज नॉट कोविंग इज कोविंद, सॉरी मिस्टर रामनाथ कोविंद, ऑनरेबल मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो रामनाथ कोविंद साहब का जो इलेक्शन हुआ, क्वेश्चन ये बनता है कि इस इलेक्शन में जो काउंटिंग की गई उस काउंटिंग में किस सेंसस का इस्तेमाल किया गया, सेंसस 2011 का इस्तेमाल किया गया या सेंसस 2001 का इस्तेमाल किया गया या सेंसस, और थोड़ा पहले चले जाएं 1971 लिख देते हैं, 1971 का सेंसस इस्तेमाल किया गया या नन ऑफ दीस। बताएं आप लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन से ईयर का सेंसस इस्तेमाल किया गया, जो पॉपुलेशन का जो काउंटिंग है किस साल की काउंटिंग, पॉपुलेशन का फिगर्स को काउंट किया गया, यह है सेंसस 1971। तो ये आप लोग याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये आप लोग याद रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेकिन याद रखिएगा 2026 के बाद, 2026 को पॉपुलेशन क्या है, रिवाइज होगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 2026 में पॉपुलेशन जो है वो रिवाइज होगा, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नाउ यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि
इसमें आपको पता होना चाहिए लोकसभा भी है, राज्यसभा है, विधानसभाएं हैं जो राज्यों की, वो भी इसमें काउंट करते हैं। नाउ यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए होता है, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए होता है, एक एमएलए का वोट कितना होता है ये पता होना चाहिए आप लोगों को। वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमएलए होता है वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पूरे राज्य का टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। यदि मध्य देश की बात करें तो मध्य देश का जितना टोटल पॉपुलेशन, और ये कौन से सेंसस के हिसाब से, ये होगा 1971 सेंसस के हिसाब से, अपान टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने टोटल इलेक्टेड एमएलए हैं इतने इंटू 1/1000, चूंकि डिजिट काफी ज्यादा हो जाएगी इसलिए इसको कम करने के लिए 1/1000 कर दिया। तो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए ये होगा, कि ये आप लोग याद रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह यदि बात करें वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द एमपी, एक एमपी का वोट कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी कितना होगा, ये होगा टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलए अपॉन टोटल नंबर ऑफ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एमपीज। ऑलराइट, तो याद रखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें काउंट होती है। नाउ एक क्वेश्चन मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको बताना है, जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, जब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताना आप लोगों को। ईच एमपी ऑफ लोकसभा हैव इक्वल वोट ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा, बता रहा आप लोग को ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट ये सही है, गलत है, या कंडीशंस अप्लाइड हैं तब जाके सही होगा, या नन ऑफ दीज। हालांकि आपको यस और नो में सिर्फ कमेंट करना है, ए या बी। तो याद रखिएगा ईच एमएलए, इसमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस इज राइट स्टेटमेंट एक्चुअली। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में हर एक एमपी, मतलब लोकसभा में जितने एमपी होते हैं, मतलब एक एमपी का जो वोट है वो राज्यसभा में एक एमपी की वोट के बराबर होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, तो प्लीज रिमेंबर दिस वन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। बात करें हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसका जो फाउंडेशन होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन का वो क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट वन। हालांकि इसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जो ये तरीका इस्तेमाल किया गया है इसमें काफी डाउट है, बट फिर भी विल टॉक अबाउट दैट। प्रेसिडेंट इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसमें लिखा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। By means of single transferable vote, single transferable। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, आप बोल रहे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि सबको बराबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे, मतलब एक प्रोपोर्शनल में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। लेकिन चूंकि बात ये है कि सिर्फ राष्ट्रपति एक ही चुना जाता है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात ही नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहां पे
सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रपति एक ही पोस्ट के लिए हो रही है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब नहीं होता। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंगल ट्रांसफरेबल। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ प्रायोरिटी आप चूज करते हो, पहले एक वोट देते हो जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला होता है, उसके बाद सेकेंड वोट देते हो, थर्ड, तीन, चार, पाँच, तीसरे से आप प्रायोरिटी देते हो। तो एक प्रकार से ये तो जो डाउट है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, बट एनी वे ये ऐसा हमारे सिस्टम में लिखा गया है, तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग। नाउ किसी को कितना वोट चाहिए, वोट नीडेड, वोट नीडेड टू बी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको कितने वोट चाहिए। नाउ ये है, इसे बोलते हैं इलेक्टोरल कोटा। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल कोटा। इलेक्टोरल कोटा कितना होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, मतलब जितने वैलिड वोट्स डाले गए, ऑल राइट, उसके बाद 1+1 मतलब 2+1, ये है इलेक्टोरल कोटा। तो जितने टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स डाले उतने बटा 2+1, उसका ठीक आधा +1, मतलब जितना उसका आधा करिए उसका +1 कर दीजिए, इतने वोट चाहिए आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए। तो मान लीजिए, सपोज करिए कि आप इतने वोट नहीं पा पाए, तो यहां पे जो चॉइस फिलिंग होती है, तो चॉइस फिलिंग में आप मान लीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी मान लीजिए किसी और को दिए, मान लीजिए ए को आपने दिया फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, बी को दिया आपने सेकेंड प्रायोरिटी। तो मान लीजिए फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जो है ये पीछे हो रखा है, जैसे इसको एक्सप्लेन करें, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए तीन लोग इलेक्शन लिए, राम, श्याम और विनीत, इन तीन लोगों ने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ा, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ा और कमाल के बाद जो वोटिंग हुई, वोटिंग में कुल वोट पड़े कितने, कुल वोट पड़े मान लीजिए 120 वोट पड़े, 120 वोट्स पड़े। अब देखिए जब आप वोटिंग करने जा रहे हो, मान लीजिए आप कोई एमएलए हो, मान लीजिए आप एमएलए हो कोई, आप एमएलए हो, जब आप वोट डालने गए तो वोट डालने जाते वक्त आपको राम में फर्स्ट प्रायोरिटी आपने डाली है, श्याम में सेकंड प्रायोरिटी डाली है आपने, और श्याम ने आपने थर्ड प्रायोरिटी डाली है। आप मान लीजिए राम को जो वोट मिले वो कितने मिले, राम को फर्स्ट प्रायोरिटी के जो वोट मिले वो मिले 40 से बल्कि 50 मिले, मान लीजिए 50 मिले, ये सबसे ऊपर है। 50 के बाद श्याम को मिले तकरीबन 40 वोट और विनीत को मिले 30 वोट। अब देखिए कुल जो वोट चाहिए वो कितने चाहिए, 60+1 मतलब 61 वोट चाहिए, जिसको 61 वोट मिलेंगे वही इलेक्शन जीतेगा। अब देखिए जब इलेक्शन काउंटिंग हुई तो राम को 50, श्याम को 40 और विनीत को 30, लेकिन आपको कम से कम 61 वोट चाहिए तभी आप इलेक्शन जीतोगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है इसमें कि इसमें विनीत को, चूंकि विनीत की सबसे कम वोट है तो इसको बाहर निकाल दिया गया। तो अब बेसिकली राम और श्याम के बीच में कंपटीशन होगा। अब देखिए राम और श्याम के बीच में कंपटीशन हुआ, इसके जो 30 वोट है इसमें देखा जाए किसने आपने सेकेंड प्रायोरिटी में किसको वोट डाले हैं। तो मान लीजिए इसके सेकेंड प्रायोरिटी में इसने राम को सिर्फ और सिर्फ यहां पे कितने वोट दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 8 वोट दिए हैं राम को, 8 वोट यहां पे राम को मिले हैं सेकेंड प्रायोरिटी वाले, और बाकी जो 22 वोट है वो किसको मिले हैं, श्याम को मिले हैं। तो अब देखिए यहां पे 8 वोट इसके यहां चले जाएंगे और 22 वोट इसके यहां मिल जाएंगे, सबको ऐड करिए, यहां पे 58 हो गया और यहां पे कितना हो गया, 62 हो गया। तो मतलब श्याम को मतलब सेकेंड पोजीशन में आने के बावजूद भी श्याम इलेक्शन जीत गया, कैसे, क्योंकि श्याम को जो है सेकेंड प्रायोरिटी के ज्यादा वोट मिले थे एंड बिकॉज ऑफ दैट श्याम वन। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कुछ इस तरह से होता है, काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो ये किसका पैटर्न होता है इलेक्शन होने का, मान लीजिए राम को फर्स्ट प्रायोरिटी में राम को 61 वोट मिल जाते तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, राम वाज वन, बट चूंकि फर्स्ट प्रायोरिटी में राम को सिर्फ 50 वोट मिले और राम को 11 वोट की और जरूरत है, लेकिन कमाल के बाद जब सेकेंड प्रायोरिटी के वोट चेक किए गए तो वहां पे श्याम जो है श्याम को 22 वोट मिल गया और श्याम बिकेम द विनर। तो इस तरह से इलेक्शन होता है, तो ये आप लोग याद रखिए, दिस हाउ इलेक्शन हैपेंस।
तो ये हुआ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग, तो आप लोग याद रखिए दिस हाउ थिंग हैपेंस। ऑलराइट, सो प्रेसिडेंट इलेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के जो क्वालिफिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिडेंट इलेक्शन की क्वालिफिकेशन क्या होती है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्वालिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्वालिफिकेशन में आपकी एज लिमिट क्या होती है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है, क्वालिफिकेशन की एज लिमिट क्या होती है। तो आप लोग बताएंगे एज लिमिट कितनी होती है। आपके सामने ऑप्शन है, देयर इज द ऑप्शन 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या 40 ईयर्स। क्या एक एज होती है क्वालिफिकेशन की, आप लोग बताएं जरा कमेंट करके, ए बी सी या डी में ऑप्शन बताएं। प्लीज ट्राई दिस। ऑल राइट, दैट्स गुड। तो ये है इसका सही आंसर 35। तो याद रखिएगा 35 प्रेसिडेंट इलेक्शन की क्वालिफिकेशन एज होती है, तो प्लीज रिमेंबर दिस वन। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के लिए कोई भी, जब प्रेसिडेंट का आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जॉब आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जॉब आप नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो डिपॉजिट होती है, सिक्योर डिपॉजिट ये है जो कितने रुपए की होती है। ये ऑप्शन आपके सामने, देर इज ऑप्शन 2500 रुपीज की डिपॉजिट होती है, या 5000 की डिपॉजिट होती है, या 10000 की डिपॉजिट होती है, या 15000 की डिपॉजिट होती है। तो आप लोग बताएं डिपॉजिट का अमाउंट कितने रुपए होता है, जरा बताइए पोल में, कमेंट करके बताइए। ऑलराइट, इसका सही आंसर है 15000 डिपॉजिट अमाउंट होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जो डिपॉजिट अमाउंट होती है वो होती है 15000 रुपीज। नाउ एक और कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिपॉजिट जो है आपने किया है, जो 15000 रुपए किया है, वो फोरफिट हो जाती है। फोरफिट का मतलब यह है कि जब्त हो जाती है, इसे बोलते हैं जमानत जब्त होना। डिपॉजिट मतलब जमानत, कितने परसेंट वोट चाहिए आपको तो आपकी जमानत जो है वो जब्त नहीं होती। तो ऑप्शन आपके सामने 1/10, 1/10 वोट यदि पड़े हो तो उसमें आप 1/10 वोट पाए हो, या 1/6, या 1/4, या 1/3, कितने आपने वोट पाए हो तो आपकी डिपॉजिट फोरफिट नहीं होगी। तो जरा कमेंट करके बताइए ए बी सी या डी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑल राइट, तो याद देखिए 1/6 ऑफ द वोट यदि आपने पाए हैं तो आपकी डिपॉजिट जो है फोरफिट नहीं होती है। तो आपको कम से कम 1/6 वोट जो भी पड़े हुए हैं वोट, उसमें से 1/6 वोट आपको पाने होंगे, तभी आपकी डिपॉजिट बचेगी। नो एक यहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि जब भी आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रपोजर्स चाहिए होते हैं, कुछ प्रपोजर्स चाहिए होते हैं, कुछ सेकेंडर्स चाहिए होते हैं। तो प्रपोजर्स कितने चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्रेसिडेंट इलेक्शन जब आप लड़ते हैं, When you go for the president election, तो इसमें कितने proposers चाहिए होते हैं। Proposers मतलब कितने लोगों की साइन चाहिए होती है कि प्रपोज कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है इनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने, देर यू गो द ऑप्शन 10, 20, 50 या 100, कितने वोटर, कितने लोग प्रपोज करने चाहिए आपको तभी आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो ये इलेक्टोरल कलीग होते हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने 10, 20, 50 या 100। तो ऑल राइट, इसे 50 प्रपोजर्स होते हैं याद रखिएगा, और 50 ही सेकेंडर्स होते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काफी महत्वपूर्ण चीज। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के बाद, प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद एक महत्वपूर्ण चीज है कि प्रेसिडेंट की शपथ कौन दिलाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रेसिडेंट की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या वाइस प्रेसिडेंट मतलब भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, या स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनमें से कौन प्रेसिडेंट के ओथ मतलब प्रेसिडेंट की शपथ दिलाते हैं। चार ऑप्शन है ए बी सी या डी, आप लोग जल्दी से कमेंट कर बताएं इसका सही आंसर क्या होगा।
ऑल राइट, जिसका सही आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो इनकी शपथ दिलाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ यहां पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट बनने के बाद में आपको आपका जो एमोलमेंट्स है, आपकी जो सैलरी है, वो डिमिनिश नहीं की जा सकती, घटाई नहीं जा सकती, और साथ में प्रेसिडेंट को कुछ ऑफिशियल रेजिडेंस जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, इनको दिया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द प्रेसिडेंट एंड दैट इज प्रेसिडेंट की सैलरी। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग। तो प्रेसिडेंट की वर्तमान में सैलरी कितनी है, व्हाट इज द प्रेसिडेंट सैलरी, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन में है 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख या 3 लाख, बताइए आप लोग भारत के राष्ट्रपति की जो सैलरी आमदनी है वो कितनी है। सो भारत के प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख, तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति की सैलरी है 5 लाख रुपए, भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी है 4 लाख रुपीज, और भारत के गवर्नर, भारत के किसी भी राज्य के गवर्नर की जो सैलरी होती है वो होती है 3.5 लाख रुपीज। तो ये भी आप लोग याद रखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन एक चीज और भी है कि भारत के राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बाद जो उनकी सैलरी होती है वो इनकी सैलरी का 50% उनको एज ए सैलरी मिलती है, एज ए पेंशन मिलती है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, साथ में कुछ और भी एक्सपेंसेस मिलते हैं, सेक्रेटरियल स्टाफ मिलता है, ऑफिशियल ऑफिस एक्सपेंस मिलते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिलती है। सो लॉट ऑफ फैसिलिटीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेट्स आफ्टर द रिटायरमेंट, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में काफी महत्वपूर्ण है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो किस चीज से इम्यून होते हैं। इम्यून का मतलब यह है कि उनके टर्म के समय में उनके ऊपर ये चार्जेस नहीं लगाए जाते, मतलब इम्यूनिटी मिलती है उनको। तो किस तरह की इम्यूनिटी मिलती है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नाउ क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी मिलती है, मतलब इनके अगेंस्ट में किसी भी कोर्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, ठीक है। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अलावा इनको सिविल प्रोसीडिंग में इम्यूनिटी मिलती है, या दोनों में मिलती है, या नन ऑफ दिस। बताएं आप लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस चीज से इम्यूनिटी मिलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इम्यूनिटी इनको सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग से मिलती है, मतलब इनके टर्म के समय पे किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके ऊपर नहीं चलाई जा सकती। अब देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जब भी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑलराइट, When talk about President of India, तो आपके अगेंस्ट में सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है। जो सिविल प्रोसीडिंग है एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में चलाई जा सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो नहीं चला सकते लेकिन सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखें, सिविल प्रोसीडिंग हम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि सिविल प्रोसीडिंग जो आप चलाते हैं उसको कितने टाइम का नोटिस पीरियड देके आप सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ या 6 मंथ, कितने टाइम का नोटिस पीरियड देके आप इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल सिविल प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं, जरा बताइए कमेंट करके। ओके, तो ये आप लोग याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो ये इसका सही आंसर क्या है, 2 मंथ्स, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टेनर होता है, जो कार्यकाल होता है वो कितने टाइम का होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये तो 5 साल का होता है, बहुत सिंपल है। तो प्रेसिडेंट जो है,
प्रेसिडेंट जो है वो रिजाइन लेटर किसके नाम से देखे जाते हैं? रिजाइन लेटर जो है किसके नाम से देखे जाते हैं? रेजिग्नेशन किसको देते हैं? ऑप्शन आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या स्पीकर ऑफ लोकसभा, या प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री, या वाइस प्रेसिडेंट, किसके नाम पे ये रेजिग्नेशन लिख के जाते हैं आप लोग बताइए प्लीज। ट्राई एंड आपको कमेंट्स नीचे कमेंट करके आप लोग बताएं। ऑलराइट, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के नाम से आपका रेजिग्नेशन होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देकर जाते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यदि हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो काफी महत्वपूर्ण पोस्ट है, तो क्या री इलेक्ट हो सकते हैं? कैन गेट री इलेक्टेड? ऑप्शन है यस, नो, कंडीशंस अप्लाइड, कुछ कंडीशंस हैं, या नन ऑफ दीज। बताइए क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रीइलेक्ट किया सकता है? ऑल राइट, ही कैन बी रीइलेक्टेड, तो याद रखिए ही कैन बी रीइलेक्टेड, तो यस ही कैन बी रीइलेक्टेड। यदि बात करें यूएस के प्रेसिडेंट की, तो यूएस के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूएस के प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ दो ही बार इलेक्ट किया सकता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति का इंपीचमेंट कैसे होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट थिंग, इंपीचमेंट भारत के राष्ट्रपति का कैसे किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए इसको बोलते हैं हिंदी में महाभियोग, ठीक है। और याद रखिएगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इंपीचमेंट होता है उसका एक ही बेसिक होता है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब इनको हटाते हैं तो जो एक रीजन दिया जाता है वो दिया जाता है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, ठीक है। ये एक मेन रीजन साइड किया जाता है जब भी इनको इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। नाउ हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी रही है कि जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली है क्या, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए इंपीचमेंट चार्जेस जो है, इंपीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड, ये कहां पे इनिशिएट किया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा, या राज्यसभा, या एनी ऑफ देम। ये कहां पे इनिशिएट किया जाता है? इंपीचमेंट के जो चार्जेस हैं ये कहां पे इनिशिएट किया जाते हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में, या किसी भी सदन में। ऑलराइट, ये किसी भी सदन में इनिशिएट किया जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो इंपीचमेंट है, महाभियोग है, वो किसी भी सदन में ये चार्जेस जो है स्टार्ट किया जा सकते हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, सो प्लीज रिमेंबर दिस वन। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब इंपीचमेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जब इंपीचमेंट होता है मतलब महाभियोग जब आपके ऊपर चलता है, तो महाभियोग स्टार्ट करने के लिए हाउस के कितने मेंबर जो हैं, चार्जेस यदि ये इनिशिएटिव करना है तो चार्जेस शुड बी साइंड बाय, इंपीचमेंट टू स्टार्ट, यदि इंपीचमेंट की शुरुआत करनी है तो चार्जेस कितने मेंबर के द्वारा साइन होना चाहिए, चार्जेस शुड बी साइंड बाय, कितने मेंबर जो है हाउस में उस चार्ज को साइन करना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने 1/4, 1/6, 1/10, या हाफ।
सॉरी या हाफ, कितने मेंबर जो है पहले इसको साइन करना चाहिए तभी वो जो रेजोल्यूशन है वो प्रोसीड किया जाएगा। ऑलराइट, इसका सही आंसर है 1/4। 1/4 मेंबर जो है उस रेजोल्यूशन को साइन करना। सपोज करें 100 मेंबर यदि हाउस में है तो 100 मेंबर का 1/4 मतलब तकरीबन 25 मेंबर जो है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नाउ मेंबर ऑफ द हाउस की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मेंबर ऑफ द हाउस मतलब जितने ही मर, मान लीजिए 250 मेंबर है तो 250 का 1/4, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि रिमूवल द टफेस्ट रिमूवल, टफेस्ट रिमूवल जो है ये किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है या सेम होता है दोनों का या नन ऑफ दीज। सबसे डिफिकल्ट रिमूवल किसका होता है जरा बताइए पोल में कमेंट करके। ऑलराइट, सबसे डिफिकल्ट रिमूवल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके रिमूवल जो है सबसे डिफिकल्ट होता है और प्रेसिडेंट के रिमूवल की जो कंडीशन है, याद रखिए प्रेसिडेंट के रिमूवल की जो कंडीशन है काफी इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट को यदि आप रिमूव करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट का रिमूवल बहुत ही डिफिकल्ट होता है। कैसे रिमूव करते हैं आप, 2/3, यहां पे जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो थोड़ी, स्पेशल मेजोरिटी थोड़ी अलग तरीके होती है, यहां पे जो स्पेशल मेजोरिटी होती है ये होती है कैसी, 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस। हाउस की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 2/3 होता है इसमें। तो आप समझ सकते हैं प्रेसिडेंट का रिमूवल इतना डिफिकल्ट होता है। यदि हम बात करें जजेस की रिमूवल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट जजेस, तो यहां पे जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो होती है 2/3, सॉरी यहां पे जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो होती है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या होती है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू यदि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें, तो दिस द वेरी मेजर डिफरेंस, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑलराइट, तो ये इस तरह से हम करते हैं रिमूवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। नाउ याद रखिएगा नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यदि हम पूछें आपसे कि नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते या नहीं करते, तो याद रखिए प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में, प्रेसिडेंट इंपीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग वन। प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ऑप्शन आपको, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, या मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और साथ में तो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं या नन। याद रखिए दोनों ही मेंबर जो है, मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये आप लोग याद रखिए, दैट्स द प्रेसिडेंट इंपीचमेंट। तो ये रहे कुछ आज के डिस्कशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जो बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है, भारत के राष्ट्र, भारत में आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को ये पेश नहीं किया गया, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स वाइंड अप द क्लास राइट नाउ, आप सभी लोग यहां पे आए थे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।